दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से डेलीगेट वर्क्स की TSAS होती है और किस प्रकार से हमें इसको ग्राम पंचायत की लॉगिन से ऑनगोइंग करना होता है। तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं कि ये डेलीगेट जो वर्क्स रहते हैं वो जो जिला या जनपद से जो 15वें वित्त की राशि डाली जाती है किसी भी कार्य के लिए वो इसी वर्क कैटेगरी में आते हैं। जैसे जिला स्लैश जनपद एडमिन से हमको क्या करना होता है, जिस वित्तीय वर्ष का कार्य है वह वित्तीय वर्ष स्विच यूनिट से चुने, स्विच यूनिट करके उसको चुन लेना है हमको। ये जिला और जनपद की लॉगिन से ये काम होने वाला है। ग्राम पंचायत की लॉगिन से जो काम होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कुछ स्टेप्स हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो स्टार्ट करें। एक्टिविटी की TSAS प्रविष्ट आपको करना होगा और TSAS प्रविष्ट करने के बाद आपको जो जिला या जनपद जो कार्य डेलीगेट किया जा रहा है एवं जिस ग्राम पंचायत को कार्य डेलीगेट किया जा रहा है उसकी करेंट डेट से एक दिन पहले की डेबुक क्लोज होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक दिन की डेबुक हमको उससे पहले क्लोज कर लेनी होती है, उसके बाद जिला या जनपद की ID से वर्क डेलीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, मेकर की लॉगिन से हमको क्या करना होगा। ये एडमिन का था प्रोसीजर, अब ये हम नेक्स्ट जो स्टेप बता रहे हैं उसमें मेकर की एडमिन का प्रोसीजर। जितनी भी राशि का जो वर्क डेलीगेट किया गया है उसका जनरल वाउचर तैयार करना होगा। जो पेमेंट वाउचर का जो ऑप्शन है वो ट्रांसफर हमको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत को कार्य राशि उस पंचायत के खाते में अंतरित करने हेतु FTO करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वाउचर की जो कैटेगरी है उसको ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाकर के हमको करना होता है। तो चलिए अब ग्राम पंचायत की लॉगिन से क्या करना है ये मुख्य है, तो हम ये बता देते हैं आपको। ग्राम पंचायत की एडमिन लॉगिन से आपको लॉगिन करना है, देन प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाना है, ऑन सेट ऑफ वर्क ऑन गोइंग दर्ज करना है। उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है एम एक्शन सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जियो टैग करना होगा। देन एडमिन लॉगिन से उस फोटो को अपलोड और वेरीफाई करना होगा, देन आपको ग्राम पंचायत की मेकर ID से एक्सपेंडिचर में वेंडर की राशि को अंतरित करने हेतु FTO प्रस्तुत करना होगा। तो ये सारी प्रोसेस है, चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं कि किस ऑप्शन में जाकर के ये सारा काम होता है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम यूज़र ओपन कर लेना है, देन आपको ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, देन आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं एक बार आपको TSAS भी बता देता हूँ जो भी जनपद से हुई है। कुछ इस प्रकार की TSAS होती है जनपद की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया हुआ है मैंने। यहाँ हम सामुदायिक भवन की एक TSAS खोल के बैठे हुए हैं। चलिए अब हम एडमिन लॉगिन से जो कार्य होना है वो कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिन लॉगिन को ओपन करेंगे। एडमिन लॉगिन को ओपन करने के बाद हमें अपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, थ्री लाइंस पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो होता है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा, ये आपको दिख रहा है इधर पे। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन में जा करके आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इधर पे, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, अलग से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ सब ऑप्शंस ओपन होंगे जिसमें कि रजिस्टर्ड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग लिखा होगा। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, जिस भी वर्ष में वो कार्य रजिस्टर्ड हुआ है उस वर्ष को स्विच यूनिट के माध्यम से चुन लीजिए। सबसे पहले मैं स्विच यूनिट कर लेता हूँ जिस भी वर्ष में वो कार्य है, तो 23-24 में वो कार्य रजिस्टर्ड है तो उसमें मैं 23-24 सेलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। 23-24 वित्तीय वर्ष हमारी ओपन हो चुकी है, देन अब हम वही प्रोसेस वही प्रक्रिया दोबारा से अपनाएंगे। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाने के बाद रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर क्लिक करना होगा। एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क सिलेक्ट कर दीजिए, गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे काफी सारी एक्टिविटीज इधर पे ओपन हो गई होंगी। 100 वाले ऑप्शन में 100 पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपकी सारी एक्टिविटीज ओपन हो जाएं।
आप उसमें सर्च करिए कौन सा वर्क डेलीगेटेड कैटेगरी में आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 23 नंबर पर ये वर्क जो है डेलीगेटेड कैटेगरी में आ रहा है। इस वर्क को हम क्लिक कर देंगे। क्लिक आपको कहाँ करना है, चेंज एक्टिविटी स्टेटस पर। इसका वर्क कोड आप मेंशन कर लीजिए जिससे कि आपको एम एक्शन सॉफ्ट पर जियो टैग लेने में आसानी हो। चेंज एक्टिविटी स्टेटस में मैंने स्टेटस चेंज कर लिया है, जिसमें कि स्टेटस में आपको डालना होगा ऑन गोइंग और जो भी आपकी डेट हो उसको सिलेक्ट आपको कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। एक्टिविटी स्टेटस चेंज सक्सेसफुली का पॉपअप आ गया है। अब ओके पर क्लिक करके सेम उसी ऑप्शन में जाकर के एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क सिलेक्ट करके गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसकी जो TSAS है वो जिले या जनपद से होकर के ऑलरेडी आती है। आपको उसमें कोई अपलोड नहीं करना होता है डेटा, आपको सिर्फ ऑन गोइंग करके वर्क कॉन्सेप्ट वाली कैटेगरी पर जा करके वर्क को ऑन गोइंग करना होता है। डेलीगेटेड वर्क में अब आपको दो ऑप्शंस नए नज़र आने लगे होंगे। अब इन ऑप्शंस में आपको जाना है जो कि है फिजिकल प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको आपका वर्क स्टेज जो है आपको चुन लेना है। जो भी वर्क स्टेज है आपका एक ही सिलेक्ट होगा, ऑनसेट ऑफ वर्क जो कि फर्स्ट जियो टैग होता है। वर्क स्टेज डेट में जिस भी डेट में आप फोटो लेने जा रहे हैं, जो भी कार्य की दिनांक आप डालना चाहते हैं, जिस भी दिन आप जियो टैग लेना चाह रहे हैं, तो मैंने आज का ही डेट डाल दिया है। एसेट नेम में ऑलरेडी आपको नेम डल के आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इधर से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूनिट कॉस्ट जनरल में ये जो कॉस्ट है आपको इधर से कॉपी कर लेनी है और इधर पे आपको पेस्ट कर देनी है। जो भी आपके एस्टिमेटेड मैंडेज हैं वो यहाँ पर आप मैंडेज फिल कर दीजिए, देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है और इसमें आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मैंडेज फिल करके आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आ गया है। अब ये जो कैटेगरी है वो आपकी शो होने लगी होगी एम एक्शन सॉफ्ट ऐप में, जिसमें कि आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी कि किस प्रकार से जियो टैग लेना होता है। हमारा एक पुराना वीडियो डला हुआ है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एम एक्शन सॉफ्ट से आपको जियो टैग लेने के बाद मॉडरेट फोटोज में जा करके एम एक्शन सॉफ्ट वाला ऑप्शन आपको जब नजर आ रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। मॉडरेट फोटोज पर आपको क्लिक करना होगा और यहां से जिस भी कार्य की आपने फोटो ली है उसे एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर था, जो कि जिले और जनपद की राशि आपको 15 मिनट में अगर दी गई है तो ये कुछ आपको प्रक्रिया करनी होती है। और आपने अगर अभी तक रिसिप्ट वाउचर अगर आपने नहीं बनाया है तो रिसिप्ट वाउचर सबसे पहले आपको बनाना होगा, तभी उसमें राशि ऐड होगी। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या क्वेरी रह जाती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है इंस्टाग्राम की लिंक, उस पर आप हमसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।